नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। आज हम आपको बताएंगे धोनी और रैना का दुश्मन नंबर वन, विराट की टीम में कैसे हुआ शामिल बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात उस खिलाड़ी की जो टीम इंडिया का नया युवराज हो सकता है। मैं इस 24 घंटे में इस खिलाड़ी की किस्मत ऐसी चमकी कि ना सिर्फ उन्हें वर्ल्ड T20 में टीम इंडिया का हिस्सा बनने का मौका मिला, बल्कि करोड़ों रुपए की बारिश भी हो गई। क्या 24 घंटे में किसी की किस्मत पलटते देखी है? क्या एक दिन में किसी को करोड़पति बनते देखा है? जिनकी किस्मत ने पिछले 148 घंटों में 360 डिग्री का टर्न लिया है। दिल्ली डेयर डेविल्स ने 8.50 करोड़ रुपए में खरीदा है। पवन नेगी का बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए था, लेकिन आईपीएल के नवे सीजन में भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। उन्होंने 21 मैच में 15.20 के औसत से 152 रन बनाए हैं और उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है 149.01। वहीं उनकी गेंदबाजी की बात करें तो वो अब तक 13 विकेट्स अपने नाम कर चुके हैं आ गया, और उसके बाद दिल्ली डेयर डेविल्स ने उनके लिए 8.5 करोड़ रुपए चुकाए। नवे सीजन की बोली में युवराज सिंह को जबरदस्त घाटा हुआ। पिछले सीजन में 16 करोड़ में बिकने वाले युवराज सिंह को हैदराबाद ने 7 करोड़ में खरीदा, यानी इस सीजन में युवराज को 9 करोड़ रुपए कम मिले। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर आईपीएल 9 के पहले ऑक्शन में कौन से खिलाड़ी सबसे महंगे बिके हैं, और महंगे खिलाड़ियों की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम आपको बता दें कि सबसे पहला नाम आता है शेन वॉटसन का, जिनका सेल प्राइस 9.5 करोड़, बैंगलोर की टीम में शामिल। पवन नेगी 8.5 करोड़, दिल्ली के साथ जुड़े हैं, और युवराज सिंह, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि 16 से फिलहाल इनका प्राइस गिर के सीधा 7 हो गया है, जो बड़ा झटका है। लेकिन क्रिस मॉरिस 7 करोड़ दिल्ली, मोहित शर्मा 6.5 करोड़ पंजाब के साथ, साथ ही आशीष नेहरा 5.5 करोड़ में हैदराबाद के साथ। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। मिशेल मॉर्स 4.8 करोड़ पुणे के साथ, कार्लोस ब्रेथवेट 4.2 करोड़ दिल्ली के साथ, संजू सैमसन 4.2 करोड़ दिल्ली के साथ, और प्रवीण कुमार 3.5 करोड़ में गुजरात की टीम के साथ। में उम्मीद से ज्यादा मिला है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और जिनकी बोली ने अब सबको चौंका दिया है, उन खिलाड़ियों में नाम शामिल होता है पवन नेगी का, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बेस प्राइस इनका 30 लाख था, 8.5 करोड़ में बिके। क्रिस मॉरिस बेस प्राइस 50 लाख, 7 करोड़ इनकी कीमत लगी, और मोगन अश्विन 10 लाख इनका बेस प्राइस रहा है, जो 4.5 करोड़ में पुणे सुपर जायंट्स के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा कार्लोस ब्रेथवेट बेस प्राइस इनका देखिए 50 लाख रहा, लेकिन 4.2 करोड़ कीमत रही, और दीपक हुड्डा 10 लाख इनका बेस प्राइस है, और ये सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 4.2 करोड़ में बिके हैं। इसी के साथ करुण नायर 10 लाख बेस प्राइस, 4 करोड़ कीमत रही, और नाथू सिंह 10 लाख जिनका बेस प्राइस है, वो 3.2 करोड़ के साथ मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें कोई खरीदार ही नहीं मिला। वो कौन से खिलाड़ी हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इन्हें अभी भी खरीदार का इंतजार है। मार्टिन गिप्टिल, एरॉन फिंच, चेतेश्वर पुजारा और हाशिम अमला, ये वो 4 नाम है जिनका बेस प्राइस 50 लाख रहा है। एरॉन फिंच का 1 करोड़, जबकि चेतेश्वर पुजारा का 50 लाख और 1 करोड़। साथ ही जॉर्ज बेली की जहां तक बात करें तो इनका बेस प्राइस 1 करोड़ रहा है। महिला जयवर्धने 1.5 करोड़, और साथ ही माइकल हसी 2 करोड़, लेकिन इन्हें अभी भी खरीदार का इंतजार है। मनोज तिवारी 1 करोड़ इनका बेस प्राइस है, जबकि तिलक रत्ने दिलशान का बेस प्राइस है 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन हैरानी इस बात की रही कि फिलहाल इन्हें अभी तक कोई खरीदार नहीं मिल पाया है। जबकि आज की ऑक्शन के बाद धोनी और सुरेश रैना दोनों ही थोड़े थोड़े परेशान जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आईपीएल के अगले सीजन में इनका दुश्मन नंबर वन विराट की टीम में शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से ही विराट की टीम पहले से भी और ज्यादा मजबूत हो गई है। 8 सीजन में वॉटसन ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 2000 से ज्यादा रन और 61 विकेट लिए। उन्होंने इस बार बिग बैश लीग में सिर्फ 53 गेंदों पर शतक लगाया था। लेकिन गुजरात लायंस की टीम भी कम नहीं है। कप्तान सुरेश रैना की अगुवाई में इस टीम के पास स्टार खिलाड़ियों की लंबी चौड़ी फौज है। धोनी की टीम में फैब ड्यूप्लेसी, अजिंक्य रहाणे, स्टीवन स्मिथ, ईशांत शर्मा और मिचेल मार्श जैसे स्टार खिलाड़ी हैं। उधर मौजूदा चैंपियन मुंबई ने अपनी टीम में इंग्लैंड के जोश बटलर को शामिल कर बैटिंग को और भी मजबूत कर लिया है। यशपाल जी, ये आखिर दुश्मन नंबर वन जो क्या वाकई धोनी के लिए और रैना के लिए भी अब परेशानी खड़ी कर सकते हैं? बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत अच्छा आपने, उसका कारण है। देखिए, मैं हमेशा
उम्र की तरफ नहीं देखता, उसको दरकिनार करता हूं, मैं परफॉर्मेंस की तरफ और फिटनेस की तरफ देखता हूं। शेन वॉटसन वाकई जैसे रॉयल चैलेंजर ने खरीदा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। आप मत भूलिए कि भले भारत जीत गया था आखिरी T20, लेकिन शतक लगाया था शेन वॉटसन ने। तो मैं परफॉर्मेंस के ऊपर जाता हूँ, शायद इसीलिए उनको खरीदा गया है कि जो कमी दिख रही थी रॉयल चैलेंजर में उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। एक हरफन बॉलर खिलाड़ी जो खतरनाक होता है धोनी के लिए भी और वो रैना के लिए भी, बाकी टीमों के लिए भी, तो ये एक बैलेंस टीम लग रही है रॉयल चैलेंजर्स। चलिए, तो बड़े बड़े दिग्गज तो हर खिलाड़ी के साथ, हर टीम के साथ जुड़े हैं, लेकिन देखना यही होगा कि आखिर अब ग्राउंड पर कौन कैसा परफॉर्म करता है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया की कोच जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड कप से पहले जीत की हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप वो अपने यॉर्कर से विरोधी टीम पर वार करेंगे। बुमराह से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन भारद्वाज ने। आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के एक ऐसे खिलाड़ी से जिसकी स्विंग और स्पीड ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को गुमराह करके रख दिया। जी, हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए। जसप्रीत, आपसे एक सवाल सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जब आपका, ऑस्ट्रेलिया के लिए जब आपका चयन हुआ था, और 15 दिन पहले की बात है, 15 दिन पहले के बुमराह में और आज जो बुमराह हमारे सामने खड़ा है उसमें क्या क्या फ़र्क आया, क्या चेंज, क्या वक्त में बदलाव आया है? ऐसे एज अ नेचर, एज अ पर्सन तो मैं वैसा ही हूँ, बट अभी काफ़ी लोग ज़्यादा पहचानने लगे हैं, काफ़ी लोग अभी ऐसे रिस्पेक्ट से देख रहे हैं कि इंडिया के लिए खेल रहा है। आपको उम्मीद थी इतनी जल्दी टीम इंडिया में आपको सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी कम उम्र में आप टीम में चुने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हमेशा सब चाहते हैं कि इंडियन टीम में आए, बट कब आओगे, कब कैसे आओगे, किसी ने सोचा नहीं था। 10-15 दिन पहले भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इंडिया खेल के आऊँगा, ऑस्ट्रेलिया में खेल के आऊँगा। ज़्यादातर खिलाड़ी होते हैं टीम इंडिया में चुने जाते हैं, लेकिन टीम इंडिया का बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग है कि उनको खेलने का ही मौका नहीं मिल पाता है। तो क्या आपको भी कभी ऐसा लगा था कि शायद मैं सीरीज में जा रहा हूँ, मुझे डेब्यू का मौका ना मिले? मैं ऐसे ही सोच के गया था कि एक आधा मैच अगर मुझे चांस मिल जाए तो मैं अपना अपना काबिलियत बता पाऊँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं सारे ही मैच खेलूँगा, मैं उम्मीद ये कर गया था कि एक आधा मैच अगर मुझे चांस मिल जाए तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। वेलकम बैक। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया ने नामीबिया को 197 रन से हरा दिया। और क्रिकेट की बात में फिलहाल इतना ही। खेल की बाकी खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट indiatvnews.com पर, और हिंदी में खबरों के लिए खबर indiatv.com।